डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड पावर्स वाला हमारा कंसेप्ट हो गया था कि रहता है अभी, रहता है प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में बेटे हम फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास अगर ए एंड बी है तो वी कैन राइट दीज एज ए इंटू बी, जैसे लास्ट टाइम हमने बोला ही था डेल्टा ए इट इज द एब्सोल्यूट एरर इन ए बेटा, एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन बी, डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर इन एक्स बेटा, राइट बेटे। इसमें आप इनको विद एरर लिमिट्स पुट कर दीजिए, इट विल बी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इट विल बी देयर। आप यहां से लेफ्ट साइड से भी एक्स को कॉमन ले सकते हो जैसे हमने लास्ट टाइम किया भी था, इट इज वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू यहां से बेटे हमने ए कॉमन ले लिया एंड वी विल हैव इट टू बी वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, बी कॉमन लिया वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये चीज बन गई। और ये फिर आपके पास आएगा वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बेटा, ए इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और ए और बी को रादर मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, ये जो अलग अलग है इनको हमने कंबाइन कर लिया एंड आफ्टर कंबाइनिंग वी विल हैव वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, इस चीज को आप ऑलरेडी एक्स कह चुकी हो बेटा, सो यू विल राइट एक्स वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए एंड वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, और आपका जो एक्स है बेटा ये कैंसल आउट हो गया यहाँ पे दोनों साइड्स पे। राइट साइड पे अब देखिए अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे इट विल बी वन प्लस माइनस डेल्टा, पहले वन को यहाँ मल्टीप्लाई किया फिर यहाँ, देन फिर ए को इसके साथ किया डेल्टा ए बाई ए, देन प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी, और लेफ्ट साइड पे वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है, ये आपका कट जाएगा। डेल्टा ए और डेल्टा बी बड़ी स्मॉल टर्म्स हैं तो ये आपका वैसे ही निगलेक्ट हो जाएगा, सो वी विल से दैट प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये आपको प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये चीज आपको दे देगा, राइट बेटे। सो इस तरीके से आपका जो एरर्स हैं बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स में प्रोपेगेट कर जाया करते हैं, तो वी कैन मैनेज दिस एस। इसके बाद बेटे अगर बात कर ले हम, हमारे पास कंसेप्ट है जैसे डिवीजन का, आपकी दो क्वांटिटीज अगर डिवाइड हो रही हो तो उस डिवीजन में किस तरीके से एरर्स प्रोपेगेट होंगी, और हम बेटा इनको अपने प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करेंगे, तो वी विल बी फोकसिंग अपॉन दिस ऑल, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द डिवीजन नाउ बेटा। डिवीजन के साथ हम किस तरीके से डिवीजन, आपके पास एक्स जो है ए अपॉन बी के बराबर आपको मिल गया, आपने इसको चूज किया है रादर, और जैसे आप ऑलरेडी कह चुके हो डेल्टा एक्स आपका एक्स का एरर है एब्सोल्यूट, डेल्टा ए ए में एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा बी आपका बी में एब्सोल्यूट एरर है, सो इट विल बी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड इट इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आप यहां पे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको,
आपने क्या दिया कि यहां से पहले लेफ्ट साइड से एक्स कॉमन एडजस्ट कर लिया, इक्वालिटी साइन के लेफ्ट साइड पे जो भी टर्म है इट विल बी वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। यहां से आपने ए कॉमन लिया वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, एंड यहां से बी कॉमन लिया वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ए अपॉन बी आप सेपरेट आउट करके यहां पे लिख सकते हो, एक्स इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू ए बाई बी। ये आपकी जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स है इनको बिल्कुल मैंने सेपरेट ही कर दिया। न्यूमिनेटर में आपके पास है वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये डिनोमिनेटर में पावर वन है, जब आप इसको शिफ्ट कर दोगे अदरवाइज न्यूमिनेटर में तो इसका पावर जो है वन प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन बी पावर माइनस वन हो जाएगा बेटा। ये आपका इक्वेशन नंबर वन, अगर आप इसको कह देते हो एक्स के बराबर आ जाएगा, तो आप एक्स वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये आपका लेफ्ट साइड है, दिस इज एक्स इन द प्लेस ऑफ ए अपॉन बी बेटा, और इट इज वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और बेटे यहाँ पे थोड़ा सा देखिए डेल्टा बी बी के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है, छोटा है, आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, और जब आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देते हो तो ये यहाँ पे आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म, सो वी विल हैव इट टू बी वन माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये चीज हमें मिल गई। एक्स के साथ एक्स आपका बेटा कैंसल आउट हो गया, एंड वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, एंड वन माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये मिल गया। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड तो चलो आपकी एस एच यही है, सो दिस इज वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, दिस इज वन से मल्टीप्लाई किया जब वन माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए इंटू बी, ये वन आपका कैंसल आउट हो गया बेटा। डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट जब इनके एब्सोल्यूट एरर्स का प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से डिवाइड होगा, दिस टर्म पर्टिकुलरली होल इट विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर देते हैं हम इसको। सो आपके पास बन गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, मैं मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करूं बेटा तो इट विल बी, ये प्लस माइनस चाहिए था ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी ही रहेगी, राइट बेटे। इसके बाद कई बार वो पावर्स में पूछ लेते हैं कि पावर्स में कैसे एरर्स प्रोपेगेट करती हैं, तो पावर्स में आप पावर को डायरेक्टली बाइनोमियल अप्लाई करके डायरेक्टली पावर को विजुअलाइज कर देते हो, आइए वो एक बार देख लें, फिर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करूंगा आपके साथ इसी कंसेप्ट के साथ रिलेटेड। आइए कंसंट्रेट करें बेटा, बी आफ्टर दिस बेटा कैन हैव दैट डिवीजन के बाद पावर्स में आ जाएगा एक्स, मान लीजिए आपका ए रेस टू पावर एम बी रेस टू पावर एन के बराबर है, इमेजिन किया हमने। अब आप डेरिवेटिव कर चुकी हो सारे स्टूडेंट्स का, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप सीधा ही इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बेटा जो है इट विल बी इक्वल टू एम डेल्टा ए बाई ए प्लस एन डेल्टा बी बाई बी, ये डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख लीजिएगा, पावर आपका यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा डायरेक्टली और आप इसको मैनेज कर सकते हैं।
इसके बाद बेटे बिफोर वी प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स एंड एनी अदर, एक बार मैं ब्रीफली बेटे जो हमारे राउंडिंग ऑफ के एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं उनको एक बार बोल रहा हूं, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेटे जब भी हमारा कोई नंबर नॉन जीरो टर्म्स हो, जैसे 3, 2, 5, 7 है, इसमें ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं दीज आर सिग्निफिकेंट। और अगर इसके साथ कोई जीरो लगा देते हैं 3, 2, 5, 7, 0, तो ये जीरो जो है इट इज नॉट सिग्निफिकेंट एज वी हैव डिस्कस्ड रूल्स विद। और अगर यही चीज किसी मेजरमेंट से आ रही हो तो देन दैट बिकम्स सिग्निफिकेंट आल्सो, ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। दूसरी बात बेटे कि अगर कोई नंबर आपका 1 से छोटा है, जैसे मान लीजिए 0.002479 समथिंग लाइक दिस है, इसमें जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, ये डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जीरोस हैं, एंड टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, यानी ये वाली जीरोस जो हैं दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। और अगर इसी नंबर में आपके पास मान लीजिए 0, 0, 2, 4, 7, 9 दो जीरोस में यहां पे लगा दूं तो ये सिग्निफिकेंट होती है, ये नहीं होगी, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, दीज आर सिग्निफिकेंट। और अदरवाइज अगर आपका नंबर 1 से बड़ा है, ये तो चलिए आप 1 से छोटे नंबर की बात कर रहे थे, तो 1 से अगर कोई नंबर आपका बड़ा हो जाए 2, 4, 9, 7 है, तो इसमें ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट आपकी है, दीज विल बी काउंटेड। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में शिफ्ट कर जाते हैं तो आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलना चाहिए, वो आपको सेम रखना है। एक बार ब्रीफली बात कर लें, आपके जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं, अगर इनके ट्रेलिंग एंड पे जीरो लग जाए वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है, और अगर यही नंबर किसी मेजरमेंट से आ जाए तो ये सिग्निफिकेंट है। और अगर कोई नंबर आपका 1 से छोटा है तो जीरोस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल एंड टू द राइट साइड, सॉरी जीरोस टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल एंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होती है। अगर आपका नंबर 1 से बड़ा है तो सब कुछ सिग्निफिकेंट है। और साथ ही साथ लास्ट वाले पॉइंट में, अगर आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से बदल के दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं तो आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज फिगर नहीं करने। और ये आपके बेटे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए रूल्स हैं, कुछ करेंगे एग्जांपल्स इनकी और अभी प्रेजेंटली, बट बिफोर दैट मैं बेटे राउंड ऑफ करने के भी जो रूल्स हैं वो भी आपको एक बार बता दूं। राउंडिंग ऑफ के लिए बेसिक रूल्स आपके क्या हैं, आइए एक बार इस बात पे भी कंसंट्रेट करके देख लें बेटा, राउंडिंग ऑफ आप कैसे किया करते हो। जब आप राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं, राउंडिंग ऑफ में हमारे पास बेटे अगर कोई नंबर जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हो 5 से बड़ा हो, तो जो प्रोसीडिंग डिजिट है दैट इज रेज्ड बाय 1। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लीजिए 6.2357 है, आप ये वाली डिजिट्स ड्रॉप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, आप इसको ये डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं, दिस इज व्हाट आई मीन ओवर हियर। ये जो नंबर आप ड्रॉप कर रहे हो, 6 ड्रॉप कर रहे हो, दिस इज द नंबर मोर देन 5, इससे क्या होगा, आपका जो प्रीसीडिंग डिजिट है, पहले वाला डिजिट है, वी विल हैव टू इंक्रीज इट बाय 1। आपके पास 6.23 एंड 5 आ जाएगा, राइट। सेकेंडली, अगर आपका नंबर और डिजिट टू बी ड्रॉप लेस देन 5 हो, जैसे 6.2354 है,
आप इसको ड्रॉप करना चाहते हैं, देन ये डिजिट आपका जो है इट विल रिमेन अनचेंज, आप नहीं बदलोगे इसको, बिकॉज ये अब आपका 5 से छोटा है तो 6.235 ही आपका रह जाएगा, राइट। तीसरा रूल है कि अगर आपका डिजिट टू बी ड्रॉप 5 है और 6.235000 है, मान लीजिए आप ये ड्रॉप करना चाहते हो सारा, इससे पहले वाला डिजिट अगर ऑड नंबर हो 1, 3, 5, 7, 9 इवन, तो इट इज रेज्ड बाय 1, ठीक है जी, तो ये आपका 6.24 हो जाएगा। और अगर ये ऑलरेडी ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, 6.245000 है, आप इसको ड्रॉप करना चाहते हो, तो ये ऑलरेडी इवन नंबर है, इट इज लेफ्ट बिट अनचेंज्ड, इसको आप कुछ भी नहीं कहेंगे, ये एज सच आपका आ जाएगा। ये आपके बेटे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं राउंड ऑफ करने के लिए, एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे इनको फिर आगे चलेंगे। अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड आपका मोर देन 5 है, प्रोसीडिंग डिजिट 1 इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर डिजिट टू बी ड्रॉप लेस देन 5 है, प्रीसीडिंग डिजिट इज कैप्ट एज सच। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय जीरोस, प्रीसीडिंग डिजिट विल बी रेज्ड बाय 1 अगर ये ऑड नंबर होगा, और अगर ये इवन नंबर है इट इज कैप्ट विद अनचेंज्ड। बिफोर वी कम टू द और स्विच ओवर टू द न्यूमेरिकल, छोटी सी बात एक और, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपकी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इनमें आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल उतना अपना रिजल्ट जो है उसमें डेसिमल प्लेसेस रखोगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट में उतनी डेसिमल प्लेसेस आपको रखनी है जितनी दो चीजों को आप ऐड कर रहे थे, मिनिमम के बराबर है, राइट। और अगर मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, तो आप दो नंबर्स को मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, जो भी रिजल्ट आपके बना, रिजल्ट में जितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं किसी भी एक के पास, आपको उतनी रखनी है। फिर से रिपीट करूंगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनमें आप मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक कन्फाइंड रखोगे अपने रिजल्ट को, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डेसिमल प्लेसेस, दोनों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करोगे, तो आपने डेसिमल प्लेसेस नहीं देखनी, तब आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है कि कितनी मिनिमम है, किस में मिनिमम है, राइट बेटा। तो ये आपका बेटे फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू था। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपके कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, छोटे मोटे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है उनको ध्यान से पढ़िए, थॉरोली पढ़िए, बिकॉज अब आपका पैटर्न जो है वो मल्टीपल चॉइस टाइप ही है। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए लिख के यहाँ आपको करवाने के लिए लेके भी आया हूँ, आइए इनको देखें बेटे। पहले तो है इट इज 876, पहला है, वेरी फर्स्ट वन इज 876, इसमें आप ऐड करोगे 0.4382 एंड दिस एडिशन इज टू बी मेड बाय कीपिंग इन माइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इट्स डिफरेंट रूल्स बेटा। ये आपका पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है जिनको आप ऐड कर रहे हो, डेसिमल के बाद कोई भी, इसमें डेसिमल है ही नहीं है, बाद की तो चलो बात छोड़ो, इसमें डेसिमल के बाद चार प्लेसेस हैं। आइए मैं इनको ऐड कर दूं और एनालाइज करके देखें कि है क्या। 876 में हम छोटी क्लास में ऐसे ऐड किया करते थे जी, हम अपनी तरफ से जीरो लगा देते हैं, जितने भी हैं लगा देते हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे,
अगर आप जीरोस लगा दोगे तो आप अपने रिजल्ट की एक दो तीन चार प्लेसेस तक आप श्योर हो गए कि ये एक्यूरेट है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि इट इज 876। तो चलिए मैं इसको, अगर इसको इसमें ऐड भी कर दूं, इट विल बी 4, 3, 8 एंड 2 आ जाएगा ऐड करने के बाद। अब एक वेरी स्ट्रेंज एंड इम्पॉर्टेंट बात है, ये नंबर तो आप डेसिमल के बाद आप जानते ही नहीं है कि कितनी प्लेसेस तक एक्यूरेट है, लेकिन रिजल्ट आप कह रहे हैं कि 4 प्लेसेस तक एक्यूरेट है, तो इट बिकम्स रॉन्ग बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने रिजल्ट को उतनी प्लेसेस तक ही कंफाइंड रखना है जितनी इधर मिनिमम है डेसिमल के बाद। इसमें डेसिमल के बाद है ही नहीं, इट मींस कि आपको ये सारा ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट? अगर आप ड्रॉप करोगे इट विल बी 876 ओनली, आपका ये सम आ जाएगा दोनों का बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द ऑल, राइट बेटे? एक अब आप करिए, 8.0 सेकंड है, 8.0 माइनस 0.42, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। आप फटाफट करके देखिए सारे स्टूडेंट्स का, मुश्किल नहीं, सेम तरीका है, परफॉर्म दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन विद ड्यू रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस तरीके से आपको पूछेंगे वो एग्जाम में। हाउ मच इट इज? 7.6। एट पॉइंट जीरो एंड 0.42 सब्ट्रैक्ट करोगे जब आप, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो अपने कैलकुलेशंस में लगा लिया करते हो, तो ये आ जाएगा आपके पास 8.57। डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक आपकी श्योरिटी है, आप इसको ड्रॉप करोगे 7.6 इट विल बी बेटा, राइट? यहां आप ऐसे कर लीजिए, रिजल्ट को राउंड ऑफ कर लो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसी को यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, राउंड ऑफ कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 8.0 एंड 0.4, क्योंकि ये नंबर जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो इट इज लेस देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट आपका अनचेंज रहेगा, तो आपके पास ये आ गया जी 6 एंड 7। यहाँ आप सब्ट्रैक्शन करके बाद में कर लो इसको एडजस्ट, या साथ साथ ही कर लो, आपका रिजल्ट कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा, सेम ही रहेगा, राइट बेटे? एक और छोटा सा करके देखिए, 4.6 थर्ड पार्ट है आपका यहाँ पे, दिस इज 4.6 मल्टीप्लाइड बाई योर 0.128, 0.128। अब जरा करके देखोगे आप इसको सारे स्टूडेंट्स के साथ, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर अपना रिजल्ट राउंडिंग ऑफ के बाद मुझे बताइएगा कितना आ रहा है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन पहले परफॉर्म कर लीजिए, परफॉर्म करने के बाद आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो बता दीजिए, अकॉर्डिंगली वी विल मैनेज इट बेटा। गेटिंग समथिंग बेटा?
हाउ मच? 0.6, 0.6 आपका आ रहा है। बाकी बच्चे भी चेक करो, इज इट देयर? इतना ही आ रहा है। जब आपने यस बेटे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपका रिजल्ट आ जाता है 0.5888, कुछ ऐसे आ रहा होगा, है ना बेटे? और ये जो आपके हैं 3 times 8 आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन आप इसमें देखो अगर, तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 के बराबर है। इसमें आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये 3 के बराबर है। ये आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में आपको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, बाकी सारा छोड़ना पड़ेगा। तो आप जब इसको छोड़ोगे तो यू विल हैव टू ड्रॉप दिस बिटिंग। इसको छोड़ दोगे आप, जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो ये नंबर आपका, बिकॉज इट इज मोर देन 5, आपके पास 0.59 ये चीज बन जाएगी। और अगर आप इसको 0.60 लिख लोगे इवन देन इट विल वर्क, राइट बेटे? दो नहीं बेटे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक तो आपका ये करेक्ट ही है। नो नीड टू चेंज फर्दर। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको रिजल्ट में अपनी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रखनी पड़ेंगी। तो ये आपकी 2 ऑलरेडी आ रही है। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं। और एक बेटे, अब आपको मैं ना आपका जो है प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स का करवा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना, आपको एक शीट दी गई है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दी गई है। लेंथ ऑफ द लेमिना जो है इट इज गिवन टू बी 2.3 ± 0.2, 2.3 ± 0.2। और ये आपको जो दी गई है इट इज इन सेंटीमीटर्स। और जो ब्रेथ दी गई है इट इज 1.6 प्लस माइनस इट इज 0.1 सेंटीमीटर, राइट बेटे? मैं क्वेश्चन रिपीट करूं, अगर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना आर मेजर्ड अकॉर्डिंगली, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लेमिना विद एरर लिमिट्स। आपको एरिया निकालना है विद एरर लिमिट्स बेटा, एरर लिमिट्स। देखिए अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रोपेगेशन ऑफ द एरर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 क्वांटिटीज। ये बिल्कुल आपका एरर प्रोपेगेट करने के लिए, ये आपका प्रोडक्ट का ही एक एग्जांपल है। इसमें ये आपका लेंथ आ जाएगा, इट इज डेल्टा एल, एब्सोल्यूट एरर इन द लेंथ। ये आपका ब्रेथ है, इट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द ब्रेथ। अब आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया आपके पास कितना आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करके देखो बेटे कितना आता है। एरिया आपका सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ करके आ जाएगा ना बेटे, तो इट विल बी 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 1.6। बेटे देखिएगा करके कितना आता है ये आपका एरिया, चेक कर लीजिएगा बेटे सारे बच्चे जरा। 1.6 इंटू 2.3 कितना आ रहा है बेटे, इट इज 3.6। ओके बेटा, ये आपका बन रहा है जी 3.68। लेकिन इसमें एक आप प्रॉब्लम, आप अगर ये एरर एनालिसिस वाला कंसेप्ट अप्लाई करना चाहें तो आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर वो कह दें कि आप एरर एनालिसिस में जब प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स कर रहे हो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है या रूल्स का ध्यान रखना है, तो आपको ये 8 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कहते हैं देन इट्स करेक्ट, यहाँ पे उन्होंने नहीं कहा हुआ, इट्स करेक्ट। यू नो दैट डेल्टा ए अपॉन ए दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा ब्रेथ अपॉन ब्रेथ आ जाएगा। ये आपका मैक्सिमम एरर
इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार बेटा। और आप ईए प्लस मैंने लिखा नहीं है, दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर। अब आप डेल्टा ए निकालना चाहते हैं, डेल्टा ए हमें नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है, तो डेल्टा ए आपके पास आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा बी अपॉन बी इंटू ए। डेल्टा एल चेक करिएगा कितना था आपका, 0.2 डिवाइडेड बाई 2.3, डेल्टा बी आपका 0.1 डिवाइडेड बाय 1.6 एंड इट इज 3.68 बेटा। जब आप ये सारा सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ बेटे, इट विल टेक टाइम अदरवाइज, आपके पास ये 0.55 आ रहा है बेटा। ये सारा सॉल्व करने के बाद 0.55 आप टाइम लेकर करके देख लेना। इसका मतलब हुआ कि आपका एरिया फिर कितना बन गया बेटा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए आपके पास आ गया 3.68 प्लस माइनस 0.55। यहां पे भी अगर आपको सारे के सारे जो रूल्स हैं आपके इनका ध्यान रखना है तो यू कैन स्किप दिस रिजल्ट। आपको एक सिंगल, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी एक है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है, क्योंकि तीनों ऑपरेशंस इकट्ठे ही आ रहे हैं। मे बी इसी वजह से उन्होंने नहीं लिखा है कि आप अपने रूल्स जो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने वाले हैं उनका ध्यान रखिए, बिकॉज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट एज फार एज कि हम यहाँ पे एडिशन वाला लगाएंगे कि इसको मल्टीप्लीकेशन वाला करें कि डिविजन वाला करें, तो दैट बिकम्स ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बेटा। सो इसीलिए इसमें वो जनरली अवॉइड ही करते हैं, अगर पूछना हो तो सेपरेटली पूछ लेते हैं बेटा कि किस तरीके से ये सारे का सारा होगा, राइट बेटा। सो इस तरीके से कुछ आपके क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, यू आर टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ दीज। एक और टाइप था मैं डिस्कस करना चाहता, दो आपको बता दिया था ऑलरेडी, जरा देखिएगा 0.1, एक मिनट लूंगा आपका बेटे, प्लीज देख लीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी है, लास्ट ही है मेरा पार्ट ये, दिस इज बेटा 0.039, काउंट कर लीजिएगा कितनी है इसमें। सेकंड है मेरे पास बेटा 2.000, इसमें काउंट करिएगा कितनी है। थर्ड है 0.050, इसमें काउंट करिएगा कितनी है। और लास्ट पार्ट है 3.08 इंटू 10 रेस पर कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, इट इज बेटा 6। इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फटाफट देख लीजिए कि कितनी कितनी आ रही है बेटा। आपका जो है ये वाला, इसमें 2 है, नंबर लेस देन 1 है, इसमें 4 हो जाएंगी, इसमें अगेन 2 है, इसमें आपकी 3 हो जाएंगी बेटा। सो ये आपको अकॉर्डिंगली देख लेना है, एडजस्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट टाइम बेटे मैं का जो नया चैप्टर है वहां से स्टार्ट करूंगा, आप रिलेटेड क्वेश्चन सारे एक बार पढ़ के देखना, कोई दिक्कत लगेगी तो मुझे बता देना बेटा। थैंक यू ऑल बेटा।